अफ्रीका की तरफ गए ना, वहां लड़ने के लिए बर्बर कौम थी, तारक इब्न ज़ियाद का कबीला था, दुनिया की सबसे वाशी कौम शायद तारीख के अंदर, इतनी वाशी कौम ना गुजरी हो। कैरवान का शहर था लीबिया के अंदर, जंगल था, तो उन्हें जब देखा कि शहर वाले हमें जगह नहीं दे रहे, तो वो जंगल की तरफ चल निकले। जंगल की तरफ गए तो जाके जंगल के एक नुक्कर पे टीले पे खड़े होकर कहा, ओए जंगली जानवरों जल्दी निकल जाओ, हमने कल यहां अपना शहर बसाना है, कल यहां अपने हमने शहर बसाना, मैं तुम्हें कल तक की मोहलत दे रहा हूं, अगर तुम ना निकले तो कल के बाद कत्ल कर दिए जाओगे। बर्बर के लोग हैरान थे, शेर भी कबीला लेके निकल रहा था, चीता भी कबीला लेके निकल रहा था, हाथी भी कबीला लेके निकल रहा था, जंगल सारा खाली और मोहम्मद के गुलाम वहां बैठे हैं। बर्बर वाले हैरान हो गए, हमने ऐसी मखलूक नहीं देखी जिनका कहना शेर भी मानता हो, जिनके आगे जंगल के जानवर और खून खार दरिंदे भी दुमना ही जाते हो, वह भी इनकी बात को मानते हो। अजीब कौम देखी है, ना मां से डरते हैं, ना जंगलों से डरते हैं, ना जानवरों से डरते हैं, अल्लाह ही जाने इनके अंदर कैसा जज्बा है, इनके अंदर कैसा ईमान और कैसा बलवला है। अगर जंगलों की तरफ जाते हैं उन्हें भी बसा देते हैं, अगर समंदरों से गुजरते हैं अरे उन्हें भी चीर के गुजर जाते हैं, अरे किसी और तरफ जाते हैं, हर चीज इनके सामने अपनी जबीने न्याज चुकाती जाती है। मोहम्मद के गुलाम जिधर भी जाते हैं वहां से गुजरते जाते, मौत से डरते नहीं है। आज भी लीबिया का कहरवान शहर उकबे नाफर का नाफे का वो बसाया जहां उसने जंगल से इतना कहा था, तुम्हें कल तक की मोहलत देता हूं, सारे निकल जाओ वरना कल मोहम्मद के गुलाम तुम्हें कत्ल कर देंगे। जंगली जानवर भी छोड़ के